अगर आपके पास भी पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है दोस्तों, आप लोगों ने एक समस्या का सामना जरूर ही किया होगा। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम अपने पंजाब नेशनल बैंक की नेट बैंकिंग को बहुत दिनों तक यूज नहीं करते हैं, या आप 6 महीने या 1 साल तक अगर आप पंजाब नेशनल बैंक की भी नेट बैंकिंग या PNB मोबाइल बैंकिंग को आप ओपन नहीं करते हैं, या कहें तो आप चालू नहीं करते हैं, तो जिस कारण से या क्या करते हैं कि अपने यूजर आईडी को यहाँ पर परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने भी अगर इस समस्या का सामना किया है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपनी PNB की यूजर आईडी को अनब्लॉक करना है, या यूं कहें कि आपको एक्टिवेट करना है। तो चलिए दोस्तों हम आपको आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ बता देते हैं। तो दोस्तों जिसके लिए सबसे पहले आपको PNB वन एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो हम अपना PNB वन एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम PNB वन मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन होते हैं तो हमें इस प्रकार से एक एरर मैसेज शो होकर हमारे सामने आ जाता है, योर यूजर आईडी हैज़ बीन एक्सपायर्ड ड्यू टू नॉन यूजेस फॉर मोर देन 360 डेज, प्लीज रीसेट योर पासवर्ड यूजिंग फॉरगेट पासवर्ड लिंक और विजिट नियरेस्ट ब्रांच। यानी कि आप अपना पासवर्ड रीसेट करेंगे तो यह यूजर आईडी अनब्लॉक हो जाएगी। अगर आप यह नहीं करना चाहते हैं तो आप ब्रांच भी जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर पासवर्ड रीसेट के थ्रू यहाँ पर अपनी यूजर आईडी को यहाँ पर चालू कर लेते हैं। दोस्तों अब हमें क्या करना है, एक ऑप्शन नीचे आपको दिख रहा होगा ट्रिबल साइन इन, तो सिंपल हमें इस पर क्लिक कर देना है। कितना है अपना पासवर्ड को फॉरगेट करना है तो सिंपली हम उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें अपनी यूजर आईडी डालनी है, जो भी हमारी यूजर आईडी है। उसके बाद दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, तो सिंपली उस OTP को यहाँ पर फिलअप करेंगे, उसके बाद कन्फर्म करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, कार्ड की डिटेल डालनी पड़ती है, अपने ATM कार्ड की डिटेल। तो सिंपली हम अपना कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद लिंक अकाउंट नंबर, उसके बाद ATM पिन यहाँ पर हम अपना डाल देंगे। तो सिंपली हम अपनी डिटेल को फिल करके आगे आ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर चेंज लॉगिन पासवर्ड, चेंज ट्रांजैक्शन पासवर्ड, तो हमें क्या करना है, दोनों को यहाँ पर चेंज कर लेना है। तो सिंपली सर हमें क्या करना है, दोनों पर टिक करके यहाँ पर नीचे आ जाना है। अब आप लोग देख सकते हैं न्यू लॉगिन पासवर्ड, कन्फर्म न्यू लॉगिन पासवर्ड एंड न्यू ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंड कन्फर्म न्यू ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो दोस्तों आपको पासवर्ड थोड़ा हार्ड बनाना है, जो कि आप लोग डिस्प्ले पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर इस प्रकार से एग्जाम्पल के रूप में आप आसानी से पासवर्ड बना सकते हैं। तो हम अपना पासवर्ड यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद हमें कन्फर्म आगे कर देना है। तो दोस्तों पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली हो चुका है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर प्रूफ के साथ हमारी डिस्प्ले पर देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एमपिन डालना है और हमें साइन इन हो जाना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एमपिन डाल दिया, उसके बाद हम आसानी से इसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका हूँ। तो आप इसी प्रकार से अपनी यूजर आईडी को अनब्लॉक कर सकते हैं।